नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई पावर फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इस प्रोसेस को ऑर्गेनिक तरीके से जो फार्मिंग करते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। आज इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम भी बनाएंगे और हम इसका रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। इसको यूज़ करने का तरीका हम आज आपसे शेयर करेंगे और उम्मीद है आपके पौधे भी इसको यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे। फल, सब्जियां, फूल, आपका कोई भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से जो फार्मिंग करते हैं वो इसका सब्जियों में बहुत ही अच्छे से इसका रिज़ल्ट निकल के आता है। दोस्तों, मार्केट से आप हज़ारों रुपए महंगा फर्टिलाइज़र, महंगे टॉनिक, महंगा हाई पावर यूज़ करते हैं पर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आपके पौधा बढ़ता है, कुछ टाइम तक फ्लावरिंग करता है और वेजिटेबल भी कुछ टाइम तक देता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि घर पर ही कैसे इस को आप आराम से बना सकते हैं। फ्री में अच्छा हाई पावर तैयार हो सकता है। इसको आप अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। गुलाब का पौधा जल्दी से इस टाइम पे गर्मी के कारण ख़राब हो जाता है, नई शूट्स नहीं निकाल पाता है। आप देख रहे हैं ये एकदम से थोड़ा सा ड्राई होने लगा था, लेकिन हमने एक बार यूज़ किए हैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र। अब हम इस फर्टिलाइज़र को भी इसके अंदर डाल के इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फ्लावरिंग के लिए अब रेडी होने लगा है। इसमें नई कलियाँ बनने लगी हैं और ये देखने में बहुत ही छोटा पौधा है पर इसकी ग्रोथ अच्छी से निकल रही है। आप अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा या फिर अपरजिता में भी इसका अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सब्जियां नहीं उगाते हैं तो। ये फूलों वाले पौधों में बहुत ही कारगर है और अच्छे से उसको फ्लावरिंग करेगा। कैसे आज आप ऑर्गेनिक हाई पावर बना सकते हैं, आपके मरते प्लांट में भी कैसे ये काम करेगा, पौधों को नया जीवन देता है और गर्मी हो या सर्दी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ये 7 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दियों के लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। घर पर ही फॉर्मिंग एसिड, अमीनो एसिड, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, इस तरह के सभी प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। ये पौधों में एक नई जान डालता है और उसको उपजाऊ बनाता है, फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए। और अब हम देखिए, एक बाल्टी ले लेते हैं, उसके अंदर हम 10 से 20 लीटर पानी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बाल्टी की, आप डाल सकते हैं। हम बात करेंगे ये 15 से 20 लीटर बाल्टी की। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 1/2 kg आप ले लीजिए, अगर 1/2 kg आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो गोबर की खाद तो होगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद उससे आधी मात्रा में आपको यूज़ करनी है, यानी कि आप उसको 200-250 ग्राम ले सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, हमने कुछ इसके अंदर अपने फ्लावर्स डाले हैं जो कि हम अपने पूजा घर में यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम उनको कलेक्ट करके रख लेते हैं। अब उनको हमने इसके कलेक्ट किया हुआ था महीने भर से, हमने ये सभी इसके अंदर डाल दिए हैं। कुछ खाद का रूप भी ले चुके थे, कुछ नए थे। उसके बाद आप इसमें अपने किचन वेस्ट, जितनी भी वेजिटेबल्स के आपके छिलके होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें 1 कप कहेंगे, 15-20 लीटर बाल्टी में 1 कप खट्टा दही का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं। और उसके बाद हम ले लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन का बहुत ही अच्छा काम होता है हमारी फसल को उपजाऊ बनाने के लिए। इसमें बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हम पता नहीं होता है हमें, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले से ही किया जाता है। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जो कि इसकी ताकत को बढ़ाएगा।
तो देखिए ये हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ हम इसमें डालते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा को तो आप सभी जानते होंगे इसके कितने फ़ायदे हैं, और ये हमारे जो पौधे हैं उसकी उपज के लिए बहुत कारगर होता है, उसमें एक नई जान डालने लगता है और गर्मियों में ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लेके आता है। इससे पौधे जो नए पत्ते हमारे निकलते हैं वो लश ग्रीन अच्छे से कलर में निकलते हैं। तो देख रहे हैं आप, इसमें हम अच्छे से ये छोटे छोटे पीसीस ताकि ये जल्दी से डाइल्यूट हो जाए इसमें पानी में, और अच्छे से जितना ज़्यादा हम 3-4 स्टैंप इसके अंदर डाल देंगे एलोवेरा की, और ये काफ़ी फंगल इन्फेक्शन या हमारे पौधे की रूट्स को भी डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के हम अच्छे से ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम लास्ट जो डालने वाले हैं जो इस सब चीज़ों को अच्छे से डाइल्यूट कर देगा और एक कहेंगे हाई पावर का रूप दे देगा, वो है हमारा ये गुड़। गुड़ एक गुड़ भी हमारे 2-3 प्रकार के आते हैं। एक गुड़ होता है जो हम लोग खाते हैं, और ये वो गुड़ होता है जो खाने के बाद जो पुराना हो जाता है गुड़, 1-2 साल पुराना, जिसको हम अपने पशुओं को देते हैं, उनसे उनकी दूध की क्षमता, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उसमें ये कारगर होता है। तो इसको हम एक टुकड़े के करीब या 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला के, और अब हम इसको एक मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से, फिर हम इसको रख देंगे एक साइड में। आप इसको यूज़ करने के लिए देखिए इस तरीके से आराम से आप एक डब्बा ले सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका हम आपको बताएंगे। आप इसको 7 दिन के लिए आप रख दीजिए एक जगह पे। उसके बाद मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम 7 दिन के बाद यूज़ करेंगे, मैं आपको एक बार अभी बता देती हूँ आपको किस तरह से इसको यूज़ करना होगा। एक डब्बा हमें लेके छान लेना है। उसके बाद आपको कम से कम 10 लीटर की बाल्टी है हमने ली है, उसमें एक डब्बा करीब हमने ये डाला है। लेकिन ये अच्छे से होने के बाद आप आधे डब्बे से भी आपका काम चल जाएगा 10 लीटर में। उसके बाद आप अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं, फूलों वाले में, फल वाले में, या फिर मेडिसिन जो प्लांट्स होते हैं उन सभी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये 0 बजट में आपकी अच्छी पैदावार कर सकता है, उसके साथ ही अपनी मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा, पौधों में फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसमें हाई पावर को कैसे तैयार करते हैं उससे रिलेटेड पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए।